क्या आप जानते हैं कैसी सर्जरी के बारे में जिसमें पेशेंट को लेटा के उनके आंखों में हथौड़े से कील ठोक के उनका इलाज किया जाता था। साल 1935 में डॉक्टर एंटोनियो को एक जबरदस्त आइडिया आया कि जब मेंटल बीमारी दिमाग से होती है तो क्यों ना दिमाग से ही छेड़छाड़ करके इसे ठीक किया जाए। जिसके बाद उन्होंने कई पेशेंट के खोपड़ी में छेद करके उनका इलाज करना शुरू किया, जिसके बाद कुछ पेशेंट ठीक हो गए और कुछ ज्यादा ही पागल हो गए और कुछ की तो डेथ हो गई। हालांकि इन सर्जरी में काफी ज्यादा टाइम लगता था, तो इन जनाब के दिमाग में एक और नया आइडिया आया कि बेकार में पेशेंट के खोपड़ी में छेद करने में 4-5 घंटे टाइम क्यों वेस्ट करना, क्यों ना उनके डायरेक्ट आंखों में ही छेद करके सर्जरी को जल्दी से कंप्लीट किया जाए। और उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और इसके बाद उन्होंने 10 मिनट में सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद लोगों को समझ में आ गया कि दिमाग के साथ छेड़छाड़ करना काफी हानिकारक साबित हो सकता है, जिसके बाद इस सर्जरी पर बैन लगा दिया गया।